Good morning, all my dear intelligent and sharp-minded students. Today, we are going to solve the question answer from the textbook. In a previous class, we have discussed the second lesson of NCERT book and the lesson name was The Last Spray. Now, today, we are going to solve the question and answer from the textbook. And the first question is here on your board. The question is that what is Sahib looking for in the garbage? What is Sahib looking for? Sahib kya dhoond raha tha? Looking for kya dhoond raha tha? In the garbage, kachde mein. Next question. Where is he and where has he come from? Where is he? वह कहां से था और कहां से आया था, है ना? So there are three questions we will solve today. The first question is what is Sahib looking for in the garbage? Sahib garbage में क्या ढूंढ रहा था? So answer is Sahib was looking for cold means useful things. Sahib was looking for gold. Sahib gold ढूंढ रहा था. Gold means useful things like coins, shoes, clothes, so that he can wear. And next question, where is he? वह कहाँ से था? अपना आंसर लिखेंगे. He came from Bangladesh. He came from Bangladesh. वह बांग्लादेश से आया था. With his mother, अपनी माँ के साथ, with his mother, in 1971 में वो अपने माँ के साथ बांग्लादेश से आया था. And third is And where has he come from? वह कहाँ से आया था? तो बांग्लादेश से आया था. Actually, his house was set amidst. His house was set amidst the green field. His house was set amidst the green field. उसका जो घर था वह स्थित था, midst माने होता है मध्य में, in green field of ढाका. तो ढाका के जो हरे भरे मैदान थे, उन हरे भरे मैदानों के बीचों बीच उसका घर था. But storms, परंतु तूफान ने swept away their fields and home. So he came at Simapuri in Delhi, Delhi.
this. ये साहेब वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब जो था वो गार्बेज में गोल्ड ढूंढता था. He came from Bangladesh, वह बांग्लादेश से आया था. With his mother, अपनी माँ के साथ in 1971 में. His house was set a medicine. उसका हाउस जो था, घर बना हुआ था बिल्कुल बीचों बीच द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के ग्रीन फील्ड के बीचों बीच उसका घर था. बट स्टॉर्म माने तूफान, तूफान ने स्विप्ट अवे देयर फील्ड, उसकी अवे देयर फील्ड, उसके फील्ड को क्या कर दिया था, स्विप्ट अवे देयर फील्ड, उसके मैदान को और उसके घर को भा दिया था. सो ही केम एट सीमापुरी, इसलिए वह सीमापुरी में आ गया था जो कि दिल्ली में स्थित. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश देन वन थिंग रिमेंबर, एक चीज याद रखना, जब भी अगर मान लो तुम्हें नहीं आती बहुत अच्छी इंग्लिश, तो क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी है तो मोस्टली हम पास्ट पर यूज करेंगे. वॉज लुकिंग फॉर, वह गोल्ड ढूंढ रहा था. ही केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की. ही केम, वो बांग्लादेश से आया था. विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ. ठीक, हिज हाउस वॉज सेट, वॉज सेट, पास्ट टेंस का यूज किया. उसका घर जो स्थित था ढाका में. बट स्ट्रॉन्ग स्विफ्ट, स्विफ्ट माने बहा ले गया. अवे देयर फील्ड एंड होम, उसके घर को उन सबके घर के बाहर गया, बाहर ले गया था. सो ही केम एट सीमापुरी, फिर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं हम जब आंसर लिखते हैं तो. इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नोट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न दिस आंसर.